नगर में एक भी बड़ा घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक से पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक पत्रकार अपनी जमीनी समस्याओं को लेकर, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर, उनकी शिकायतों को लेकर बीजेपी नेता से सवाल पूछता है तो उसके बदले में उसको एफआईआर मिलती है, थाने में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हो जाता है और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझने की बात है कि आज के दौर में अगर एक पत्रकार सवाल पूछ ले सत्ता के लोगों से, बीजेपी नेताओं से, तो उसके बाद उसका क्या हश्र होता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से जब पत्रकार बीजेपी नेता से सवाल पूछते हैं, महंगाई पर पूछते हैं, बेरोजगारी पर पूछते हैं, या फिर अपनी अपने क्षेत्र की विकास, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, या फिर उनसे यह कह दिया जाता है कि आपने जो वादे दावे किए थे वो आपने अभी तक पूरे नहीं किए, वो कब पूरे होंगे, तो बीजेपी नेता जो है वो बौखला जाते हैं और उनकी बौखलाहट किस तरीके से कैमरे पर ही देखने को मिल जाती है। एक मामला सामने आ रहा है दोस्तों, संभल का यह मामला है। संभल में एक स्थानीय पत्रकार जो है, बीजेपी मंत्री वहां पर आई हुई थी, उनसे सवाल पूछ रहा था, उनसे यह कह रहा था कि आपने सड़क बनाने की बात कही थी, मंदिर के पास बाउंड्री बनाने की बात कही थी, आपने रोड पक्का करने की बात कही थी, पक्के रोड बनाने की बात की थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोग आपके कार्यालय जाकर के आपसे मिलने की, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी उनकी समस्याएं जो है नहीं सुनी जाती है। बस इस पत्रकार ने इतना कह दिया, उसके बाद पत्रकार के साथ क्या कुछ हुआ आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, आपको वीडियो भी दिखाएंगे, पत्रकार किस तरीके से बीजेपी मंत्री से सवाल पूछ रहा है और उसके बाद बीजेपी मंत्री का जो चेहरे का रंग है वो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से उड़ गया है। ये ट्वीट देखिए आप, अहमद खबीर का, इन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के संभल में एक स्थानीय पत्रकार संजय राणा ने अपने गांव आई मंत्री जी से गांव के विकास को लेकर सवाल पूछ लिया, अगले दिन वो पुलिस हिरासत में पहुंच गया। हालांकि मंत्री जी का कहना है इस एफआईआर में उनका कोई लेना देना नहीं है। आप वीडियो देखिए इस पत्रकार का, जिसमें वो किस तरीके से सवाल कर रहा है, मंत्री जी से एक के बाद एक सवाल करता है। वो कहता है कि इस इलाके में बारात घर अभी तक आपने नहीं बनाया, एक भी सरकारी शौचालय यहां पर नहीं है, लोगों को जो आपने कहा था कि रोड बनाएंगी वो भी आपने नहीं बनाया है। सुनिए पत्रकार किस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं मंत्री जी के सामने रख रहा है। सुनिए, नगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी, कच्ची है, यहाँ बाइक से पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो वीडियो आपने देखा, इसके बाद एक और ट्वीट देखिए अहमद खबीर का, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने संजय राणा के खिलाफ, जो पत्रकार है, जो पत्रकार आपने वीडियो में देखा, उसके खिलाफ कार्यक्रम में शराब पीकर हंगामा करने की शिकायत दी है। फिलहाल संजय राणा संभल पुलिस की हिरासत में है। हालांकि जो पत्रकार है उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो बीजेपी कार्यकर्ता ने की है, और मंत्री जी का यहां पर कहना है कि हमारा एफआईआर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन पर कार्रवाई तभी हुई है जब मंत्री जी से उन्होंने सवाल जवाब कर लिए हैं। इसी के साथ आप एक और वीडियो देखिए उस पत्रकार का, वीडियो में आपको दिखेगा किस तरीके से पत्रकार जो है उन्होंने यह भी कहा है कि देवी मां का एक मंदिर है, मंदिर के पास आपने बाउंड्री बनाने के लिए कहा था लेकिन आपने वो काम भी नहीं किया, लोग आपके कार्यालय गए इस समस्या को लेकर, लेकिन वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनिए पत्रकार मंत्री जी से क्या कह रहा है। देवी मां के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी, गांव वाले ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहां पर, आपके कार्यालय भी गए थे मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं। तो वीडियो देखा आपने दोस्तों, इस वीडियो को लेकर बीबीसी के एक पत्रकार ने भी क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। बीबीसी के एक पत्रकार ने, दिलनवाज पाशा ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो शेयर करते उन्होंने ट्वीट में लिखा है, ये संजय राणा है स्थानीय पत्रकार, अपने गांव आई मंत्री जी से गांव के विकास को लेकर सवाल किया था, अब संभल के चंदौसी थाने में इन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, फिलहाल ये हिरासत में है। उन्हीं का एक और ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, बीजेपी
बीजेपी के कार्यकर्ता ने संजय राणा के खिलाफ कार्यक्रम में शराब पीकर हंगामा करने की शिकायत दी है। मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि उनका एफआईआर से कोई संबंध नहीं है, फिलहाल संजय राणा संभल पुलिस की हिरासत में है। तो यहां पर मंत्री जी का कहना है कि हमारा एफआईआर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन पर यह कार्रवाई कहा जा रहा है कि उन पर यह कार्रवाई पुलिस में जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है यह मंत्री जी से सवाल जवाब के बाद ही हुआ है, यह कहा जा रहा है। इसी के साथ एक और वीडियो इस पत्रकार का देखिए, स्थानीय पत्रकार किस तरीके से मंत्री जी से सवाल पे सवाल किया जा रहा है और इस दौरान उसकी नोकझोंक भी हो जाती है। उसका वीडियो देखिए आप, किस तरीके से पत्रकार जो है जो सवाल करता है जो मंत्री जी के साथ जो कुछ मौजूदा लोग हैं, एक महिला की आवाज भी आपको सुनाई देगी। महिला कहती है कि आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और नोकझोंक जो है वहां पर वो हो जाती है। मंत्री जी कहती हैं कि आप मीडिया की तरह सवाल करिए, ऐसे मत करिए। सुनिए आप पूरी उनकी क्या वीडियो निकलकर सामने आ रही है। लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो। अब आपने पत्रकार के सवाल जवाब सुने, अब मंत्री जी इस पूरे सवाल जवाब पर क्या कह रही हैं वो सुनिए। मंत्री जी कह रही हैं कि आपका काम जरूर होगा, ये दोनों गांव मेरे ही हैं, मेरा ही क्षेत्र है, मेरे ही लोग हैं, मैं ये काम जरूर करूंगी और इस काम की शुरुआत जो है वो धीरे धीरे की जाएगी। पूरे सवाल जवाब पर मंत्री जी का क्या कहना है वो सुनिए। मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं, तो वहां पर भी पूरी काम होगा, जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। तो सुना आपने, अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे वीडियो को लेकर अब पत्रकार अभिनव जो हैं वो भी तंज करते हैं। वो क्या लिखते हैं, ध्यान रहे विकास को लेकर सवाल पूछने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये पहला मामला नहीं है दोस्तों जिसमें पत्रकार जो है वो बीजेपी नेता या किसी नेता से सवाल पूछ रहा है, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, जो काम उन्होंने नहीं किए उनको लेकर जो है वो सवाल पूछ रहा है, जवाब पूछ रहा है, तो उसको लेकर जो नेता है वो भड़क नहीं रहे हैं। आपने पिछला भी मामला देखा होगा जिसमें किस तरीके से यूपी के निरहुआ जो हैं उनसे पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं बेरोजगारी को लेकर, विकास को लेकर, तो वो तिलमिला जाते हैं और किस तरीके का जवाब वो देते हैं। वो यहां तक ये भी कह देते हैं पत्रकार को कि आपको बेरोजगारी लगती है, महंगाई लगती है, तो आप यहां से चले जाइए। वो मामला देखिए आप, खबर में आपको दिखा देती हूं किस तरीके से क्या कुछ कहा था निरहुआ ने। खबर एबीपी की है, लिखा है महंगाई के सवाल पर भड़क गए बीजेपी सांसद निरहुआ, पत्रकार को देश से बाहर जाने की दे डाली सलाह। यहां पर निरहुआ किस तरीके से भड़क गए, महंगाई बेरोजगारी पर सवाल करने से भड़क गए और वो ये कहने लगे कि आपको अगर महंगाई दिखती है तो आप देश छोड़कर चले जाइए। तो इस तरीके के कई वीडियोस, कई खबरें जो हैं आपको दिखे होंगे कि किस तरीके से जब पत्रकार विकास को लेकर इनसे सवाल पूछता है और इन्हें आईना दिखाता है तो ये ऐसे ही तिलमिला जाते हैं, इनके चेहरे का रंग जो है वो उड़ जाता है और उस पर कोई भी टिप्पणी करने से ये बचते रहते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं के तमाम वो वीडियो देखिए, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है तो सवाल बीजेपी से ही होगा और जब सवाल बीजेपी से होता है तो बीजेपी किस तरीके से तिलमिला जाती है, बौखला जाती है, उनके नेताओं के चेहरे का रंग जो है वो मिनट में उड़ जाता है और कुछ भी कहने से वो बचते हैं या फिर वो पत्रकार को कुछ इस तरह की बातें कह देते हैं जैसे कि निरहुआ ने कहा कि आपको महंगाई दिखती है, बेरोजगारी दिखती है, तो आप देश छोड़कर चले जाइए। तो इस तरह की कई चीजें, कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस दौर में पत्रकार जब सवाल पूछेगा मंत्री जी से तो उसको क्या मुकदमा उस पर कर दिया जाएगा, उस पर एफआईआर कर दी जाएगी। हालांकि जिस पत्रकार का हमने वीडियो दिखाया उसमें यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि वो पत्रकार अभी भी पुलिस की हिरासत में है, तो ऐसे में यह सवाल उठता है सत्ता पक्ष के लोगों से कि क्या ये अपने खिलाफ कोई भी आवाज जो है वो उठने नहीं देंगे या पत्रकार को अपना काम नहीं करने देंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।